हाँ जी नमस्ते सर। जी जी नमस्ते सर। प्लीज फोन मत काटना सर, मेरी बात सुने बिना। सर मैं ये पूछना चाहती हूँ सर, स्टाफ नर्स का रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा सर? सर सब बच्चे ना सच में कल से ना बहुत ज्यादा परेशान है, उनको ना सर सबको ये लग रहा है मार्च तक आएगा रिजल्ट। और सर सब बच्चे कोई अनिल विद सर के पास मेल कर रहे हैं, मतलब कम से कम 500 बच्चों ने तो सर मेल कर दिया होगा। और बहुत से बच्चों ने सोशल इकोनॉमिक के फेक नंबर ले रखे हैं, आप ये चाहते हो कि उनके फेक नंबर जोड़ के रिजल्ट बना के भेज दो? नहीं सर नहीं चाहते, वो सर सोशल इकोनॉमिक का खत्म हो गया था ना टाइम 31st तक। हाँ हम अपने लेवल पे भी कर रहे हैं, उसके बावजूद भी फेक ले रखे हैं नंबर लोगों को। अच्छा, हम योग्य व्यक्ति को बाहर कर दें और जो फेक नंबर ले रहे हैं उनके अंदर करके सिलेक्शन कर दें। फिर आप ही लोग जैसे चिल्लाओगे को मेरे पड़ोस में तो उसका बाप सर्विस पे था, इसने फेक नंबर लेके लगी है। नहीं सर, सारी चीजें हमने छोटी छोटी चीजें देखनी होती है, रिजल्ट इतनी जल्दी थोड़ी निकलते हैं। तो सर सच ये बात सच है सर, मार्च तक टाइम लग जाएगा सर? नहीं नहीं कोई बात नहीं। अच्छा ठीक, जनवरी में सर आ जाएगा सर? 100% सर। धन्यवाद, मैं आपकी बात सब तक पहुँचाऊँ। तो फ्रेंड्स अभी आपने जो अभी ऑडियो क्लिप सुनी तो उसमें आपने देखा जो HSC के चेयरमैन है भोपाल सिंह खत्री, तो उन्होंने आपके रिजल्ट के बारे में बताया कि आपका रिजल्ट है वो कब जारी होगा। तो फ्रेंड्स देखिए आज का ये न्यूज़पेपर है, इसमें जो है अभी आपके रिजल्ट के बारे में क्या अपडेट है। तो देखिए सबसे पहले तो आप इनमें वे कैंडिडेट जिन्होंने गलत तरीके से भाई जानकारी दी और 5 नंबर अतिरिक्त लिए, तो ऐसे कितने कैंडिडेट थे? तो ये थे आपके 750 ने झूठे सब घोषणा पत्र वापस लिए, यानी कि 750 ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने गलत तरीके से 5 अतिरिक्त नंबर लिए थे सामाजिक आर्थिक आधार पर। अभी इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो आपको टाइम दिया गया था नंबर विड्रॉल करवाने का, तो इसमें इन्होंने अपना घोषणा पत्र वापस ले लिया। और अब जो बाकी कैंडिडेट है भाई उनकी पुलिस करेगी जाँच, और जांच आपकी भाई पटवारी और नंबरदार से करवाई जाएगी। जो आपकी टोटल भर्ती है इनका रिजल्ट कब तक जारी होगा? तो देखिए 6 सिगरी है टोटल आपकी और इनमें आपकी 10,000 पोस्ट है, और इन सभी भर्तियों का जो रिजल्ट है आपका वो फ्रेंड्स आपका इसी महीने जनवरी में जारी होगा। इनमें आपकी जो भर्तियाँ हैं MPHW, स्टाफ नर्स, रेडियोग्राफर और अन्य भर्तियाँ हैं, इन सभी का रिजल्ट इसी महीने में जारी किया जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और दोस्तों हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ऐसी ही इन्फॉर्मेशन पाने के लिए दोस्तों बेल आइकन बटन को प्रेस करें। तो आज की हमारी इस वीडियो में इतना ही, आपका दिन मंगलमय हो, थैंक यू।